भगवत संगीत आचार्य प्रिंसिपल चन्नन सिंह जी मजबूर जी दे आज 11वीं बरसी दे मौके ते मैं तबला वादन पेश करके उन्हां नूं श्रद्धा दे फुल भेट कर रहा। प्रिंसिपल जी बारे मैं उन्हां दी शख्सियत बारे जे कहां ते मेरे ख्याल बहुत लफज इन्ने है नहीं कि उन्हां बारे मैं कुछ कह सका। उन्हां दी जिहड़ी लाइफ सी मैं उन्हां दी शख्सियत तो इन्ना प्रभावित होया साहब ने क्योंकि मैनूं उन्हां नाल संगत करन दा बहुत मौका मिलिया। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाले च भी बटाले भी जदों हुंदे सां जां कित्थे भी प्रोग्राम सी ते मैनूं संगत करन दा मौका उन्हां नाल बहुत मिलिया कि मैं इन्ना हैरान हुंदा सां जदों ओ गुरमत संगीत दे बारे सोचदा सां कि इन्हां नूं देखो रागां बारे इन्नी नॉलेज गुरबाणी बारे इन्नी नॉलेज इन्ना शुद्ध उचारण मैं हैरान रह जांदा हां कि इन्ने गुण होने। पर जदों उन्हां नूं देखदे सां ओ क्लासिकल गांदे सन ओ उस तों भी बाद बंदशां उन्हां नूं इन्नियां याद सन तबला इन्ना याद सी ते मैं सोचदा हां कि एक इंसान दे विच इन्ने गुण हो सकदे ने ते मैं बहुत हैरान हुंदा सां उन्हां दी शख्सियत तों उन्हां दे लागे बैठ के एक वखरा जिहा ही आनंद हुंदा सी एक संतुष्टी हुंदी सी कि मैं किसे महापुरश दे कोल बैठा हां उन्हां दी संगत कर रहा हां। ते मैं प्रिंसिपल साहब दे भाई साहब गुरदेव सिंह जी फुल उन्हां दे बेटे अमरीक सिंह जी फुल अमरस म्यूजिक अकैडमी सरी वालों यह प्रोग्राम सर्व अकाल म्यूजिक सोसाइटी दे पेज ते पेश हो रहा है। एक बड़ी वड्डी गल है कि अपने बजुर्गां नूं याद रखना मैनूं लगदा है कि यह जिहड़ी है यह शायद अमरीक सिंह फुल जी दे इन्हां दे विरसे च आई है। सानूं सारिआं नूं अपने बजुर्गां नूं हमेशा याद रखना चाहीदा उन्हां दे बरसी समागम ते जन्मदिन ते विशेष समागम कराउणे चाहीदे आ क्योंकि ओह चाहे साडी प्रिंसिपल साहब साडे विच इस टाइम नहीं हन पर उन्हां ने जो काम कीता है उन्हां ने इन्हें बच्चियां नूं सिखाया है इन्ना गाया है इन्ना वड्डा काम कीता है ओह हमेशा लई साडे विच हन। ते मैं भाजी हरजीत सिंह जी का भी धन्यवाद करदा कि ओह यह प्रोग्राम सर्व अकाल म्यूजिक सोसायटी दे पेज ते लाइव टैलीकास्ट कर रहे हैं उन्हां दी बरसी मना रहे हैं। ते प्रिंसिपल साहब दी जिहड़ी गुरमत संगीत नूं देन है ओह एक वडमुल्ली देन है जिस नूं असीं भुल नहीं सकते हमेशा ओह साडे विच हन साडे विच ही हन रहणगे। ते एक बहुत वधिया उपराला है इन्हां दा कि जिहड़े अपने बुजुर्गां दी उन्हां नूं याद रख के समागम करा रहे हैं ते मैं दोबारा इन्हां दा धन्नवाद करदा हां।